मालवी भाषा में कदी भी कई नयो काम चालू करो तो पेला के राम राम दादा और बहनों। तो हमारा कहीं हो कि जर्नी तो शुरुआत घनी लंबा समय से हुई थी, पर अभी अभी जो समय है, मतलब जो इस लाइन के अंदर दिया है अपने कॉमेडी लाइन में, जिसमें आप लोग हमारी इतनी अच्छी पहचान बनी, इतनी अच्छी चीज़ें बनी, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं हुआ। अभी 8 या 9 महीने हुए, और 8-9 महीने में आप लोगों का इतना अच्छा प्यार मिला कि धीरे से चुनुनन से जुनुनन बना दिया। तो हमारे मालवा में बहुत ही अच्छा आशीर्वाद और प्यार मिला है हमको, और हम चाह रहे हैं कि अब मुंबई नगरिया में धीरे 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 घूमने आए। घूमने के साथ साथ कुछ मीटिंग वीटिंग भी हमने की है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ मुंबई में थोड़ी सी जगह हमें भी मिल जाए, बॉलीवुड लाइन में ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी मोटी जगह कहीं ना कहीं मिले। राहुल जी, आज सोशल मीडिया के जमाने पर हर आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं बहुत आसान प्लेटफॉर्म मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है जो आप जैसे लोग हैं, जो स्ट्रगलर्स हैं, जो आपको कहीं ना कहीं प्रेरित होते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए कि वाकई इतना आसान है जैसे आप बता रहे कि 9 महीने, जैसे हमारी ऑडियंस देखेंगे तो कहीं ना कहीं और कितने इन्फ्लुएंसर्स पैदा हो जाएंगे, तो कितना आसान या कितना मुश्किल है ये सफर? सर, ये सफर जो है तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमारा क्या है कि एक कंटेंट है मालवी भाषा का, तो ये क्या है सबके दिलों को घर कर जाती है। यदि हम अभी आपको भी कुछ बोलेंगे ना, तो आपके जैसे लैंग्वेज में होता है कि लड़की कहाँ जा रही, तो हमारे इसमें बोलती छोरी कहाँ जा रही है। तो ऐसे क्या हुआ सर कि ये ज़्यादा हाइप पे और जल्दी चले गया, बाकी इसके अंदर बहुत मेहनत लगती है, इतनी जल्दी आसान नहीं मिलता है, प्लेटफॉर्म बहुत कठिन है, हमें भी बहुत रात दिन मेहनत करना पड़ती है, 24 घंटे हम लोग देते हैं, रात भर इसके लिए कॉन्सेप्ट सोचते हैं, सुबह फिर 3 नई रील शूट करते हैं, फिर 3 रील को हम खुद अपने आप से एडिट करते हैं, फिर डालते हैं। तो ये बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों को हमारे ही लेवल पे आने में कम से कम 5-5 साल भी लग गए, वो तो 8 महीने जो हमारे लगे, वो तो सिर्फ बाबा का आशीर्वाद और आप सभी का प्यार है। लोकल भाषा से आपने शुरुआत की थी, यहाँ पर आपकी अच्छी खासी पकड़ हो चुकी है, अब कहीं ना कहीं आप नेशनली पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि नेशनल लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि लोकल लोग कहीं ना कहीं आपको जानते हैं, रिलेट करते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपका एक्सेप्टेंस कर दिया? सर, क्या है कि एक्सेप्ट में क्या है, जो अभी भी हमारा डैशबोर्ड जो होता है इंस्टाग्राम और इनमें क्या है कुछ दिखता है, डैशबोर्ड होता है, तो उसमें 5.6% हमारा मुंबई का क्राउड, मतलब मुंबई की जनता है, मुंबई की जनता आज इतना प्यार हमको देती है, 10% में से 6% हमारी मुंबई की जनता है। तो ये जो लैंग्वेज है ना सर, इतनी कठिन नहीं है, बहुत सरल है, मतलब इसको हम आसानी से बोल सकते हैं। आप लोगों को जैसे मैं बोलता हूँ कोई भी चीज़, जैसे अभी मैं बोलूँगा क्या कहीं कर ही रहा हो, कैमरा एक नंबर चली रहा, मज़ा ही रहा, आज तो इंटरव्यू में आनंद ही आनंद ही है, तो ये क्या होता सर कि आपको इजीली समझ में आ जाएगी, मतलब हमारी भाषा इतनी कठिन नहीं है, तो ये नेशनल लेवल पर बहुत जल्दी आप लोगों को सबको समझ आएगी, और हम लोग इसको चाहते हैं कि नेशनल लेवल पर जाए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव हमारी मालवा भाषा को प्रमोट करना है। राहुल जी, आप मुंबई आए हैं, क्या कुछ करना चाह रहे हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, जरा बताना चाहें तो? सर, अब मुंबई अभी तो हम लोग आए हैं, अब मुंबई में देखो कहाँ क्या मिल जाए, 2-3-4 लोगों से हमारे अच्छे अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जी वगैरह आए, इनसे सबसे हमारी मुलाकात भी हुई है, 3-4 मीटिंग हमारी वहाँ से ऑलरेडी बुक थी, 2-3 यहाँ पे भी आके हुई है, तो हम तो चाहते हैं बॉलीवुड में कहीं ना कहीं छोटा मोटा हमको प्लेटफॉर्म मिले, लेकिन अब देखो आगे क्या है बाबा की इच्छा। राहुल जी, मुंबई आए हैं, मतलब कुछ होगा जहन में आपके, आपके जहन में क्या है कि हम टीवी से शुरू करना चाह रहे हैं या वेब सीरीज से शुरू करना चाह रहे हैं, मूवी से, यहाँ बहुत सारे मल्टीपल काम है, आपके जहन में क्या है, किस तरह शुरू करना चाह रहे हैं? सर, जहन में तो है, मतलब अभी अपन उसको लाना नहीं चाहते, अब हमने जैसे जो है कोई चीज़ के लिए हमने किया हुआ है और जिसके रीजन से हम लोग खास यहाँ आए हुए हैं, तो अब उसको हम अभी करेंगे, धीरे 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 बताएंगे, सब सामने लेके आएंगे कि हम किस लिए आए थे और क्या हम लोग करना चाहते हैं, पर यह है कि बॉलीवुड में आप आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कदम हम रखना चाहते हैं। किस कॉमेडियन से आप प्रेरित हैं और किस तरह की कॉमेडी स्पेशली बॉलीवुड में अगर आपको मौका मिलता है तो करना चाहिए? सर, सबसे पहले तो मतलब हम जब छोटे से थे तब हमने सबसे पहले देखा था, मतलब जब वीडियो बना रहे तब तो नहीं, लेकिन जब हम छोटे से थे तब हमने गोविंदा सर को देखा था, गोविंदा सर का डांस, उनका बोलने का तरीका, तो लगभग लगभग बहुत सारा लिहाजा हमने उनका लिया है और हम ये सारी चीज़ करते हैं और उन्हीं को देख के सीखे और धीरे 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 अपनी मालवा और अपनी चीज़ों को ले लिया, तो अब ये थोड़ा सा अंदाज़ा बदल गया, पर पहले जो करते थे वो उन्हीं के हिसाब से करते थे। बॉलीवुड में एज ए कॉमेडियन आप अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहेंगे क्या एज एन एक्टर? नहीं सर, हम एज एन कॉमेडियन, कॉमेडी में ही अपना नाम बनाना चाहेंगे, कॉमेडी में ही हम लोग जाना चाहेंगे और इसके साथ साथ हम हमारी भाषा जो है उसको भी लेके जाना चाहेंगे, मालवा सबसे मेन हमारा जो है मालवा है और हम लोग मालवा से ही आगे बढ़े और मालवा को ही आगे ले जाना चाहेंगे। आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? सर, ऐसा तो कुछ है, ऐसा तो कुछ सोचा नहीं है, पर अब जहाँ योग लग जाए, जहाँ सहयोग हो जाए। अच्छा सर, मुंबई जो है सपनों का नगर है, सब हर कोई जानता है और पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन आप पहले से कॉमेडियन है और लोग एक अच्छी पहचान है आपके शहर में, आपके राज्य के अंदर,
लेकिन यहाँ एक अलग तरह की तैयारियां करनी पड़ती है, कुछ तैयारियां यहाँ लग रहा है आपको करना है, और किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है आपकी? सर बहुत सारी, क्योंकि वहाँ का तो बहुत, मतलब जैसे हम लोग हमारे शहर में और हमारे कॉमेडी पर्पज़ से, तो इसमें तो क्या बहुत हमें ऐसा लगता है कि यार बहुत छोटी सी चीज़ है, अब यहाँ आए ना तो यहाँ तो बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी चीज़ें है, और इसके बाद अपने को सीखने के लिए बहुत कुछ चाहिए अभी अंदर, मतलब इसमें यदि आगे जाना है, हमने देखा सब चीज़ें, दो तीन जगह हम लोग गए, हमने देखा तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और अभी यहाँ के लिए तो हमें बहुत मेहनत करना है अभी, और चल ही रही है मेहनत, लगातार कंटिन्यू चल रही है, अब धीरे 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 हो जाएगी, और जो अपन ने चाहा वो भी हो जाएगा। एज एन इन्फ्लुएंसर आप, मतलब हर किसी की ख्वाहिश होती है कि कितना पैसा कमा लेते हैं, ये सवाल तो सबसे पहले जहन में आता है, तो क्या एक लगभग एक इन्फ्लुएंसर आपके लेवल के पैसे कमा लेता है मंथली? तो सर वो तो क्या होता है कि हर एक की अलग अलग रहती है खासियत, अब सबका अलग अलग पैसा कमाने का तरीका है, अब कौन कितना कमा लेता है, कितना यूट्यूब से पैसा आता है, फेसबुक से पैसा आता है, और इंस्टाग्राम पे कुछ एड्स वगैरह आते हैं उससे भी पैसा आता है, सबका एक अलग अलग रहता है पैसा कमाने का, ऐसा तो सबका, हमारा भी ये थोड़ा बहुत मिल जाता है, खर्चा पानी हो जाता है। आज कहीं ना कहीं बच्चे हमारे वक्त में बोलते थे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, आज कहीं ना कहीं हर बच्चे के जहन में एक इन्फ्लुएंसर बनना है, शॉर्टकट नेम है, फेम है, पैसा है, तो इन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहिए कि पढ़ाई पे ही ध्यान रखें, कि पढ़ाई बाजू में रखें और कहीं ना कहीं वीडियोस बनाएं? सर सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि सबसे पहले पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी नहीं पढ़े, हम भी बहुत भीड़ थे, हमें भी जब स्कूल में भेजा करते थे तो हम भी जैसे तैसे तीन चार स्कूल से तो रेस्टिगेट हुए, तब जाके जैसे तैसे हमने ट्वेल्थ ट्वेल्थ पास की और थोड़ा आगे बढ़े, तो हम सबसे पहले आज जैसे हमें भी इंग्लिश में बड़ी कमजोरी आई, जैसे मुंबई आए तो अब यहाँ बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते, तो फिर हम लोग भी हमारी मालवा भाषा को लेकर आ जाते तो थोड़ा सा हंस देते, तो हम तो जैसे तैसे सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन आप सभी के लिए बस यही कि पहले पढ़ाई करो, इसके बाद यदि पढ़ाई में नहीं मन लगता है तो इधर आओ, और ज़्यादातर क्या होता है कि जितने भी लोग हैं जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ाई में ही ध्यान देंगे सर, वो इसी इंस्टेंशन लाइन में आएंगे नहीं, और हम तो चाहते हैं कि ज़्यादातर आप पढ़ाई करो ताकि इसमें ज़्यादा आ जाओगे तो हमारे लिए कॉम्पिटिशन खड़ा हो जाएगा। राहुल सर बहुत सारे रियलिटी शो चल रहे हैं, जैसा देखा कपिल शर्मा भी जो एक रियलिटी शो से आए, कॉमेडी शो से आए, आपकी किसी से कॉमेडी रियलिटी शो से बात चल रही है? सर कॉमेडी शो से तो नहीं बात चल रही है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसके आसपास ही है हम लोग, पर कॉमेडी शो से बात नहीं चल रही हमारी अभी, और यदि किसी ने हमें कुछ किया या कहीं ऑफर दिया हमारी मालवी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, और यदि हमारी कोई चीज़ अच्छी लगी तो हम ज़रूर करेंगे। स्टैंडअप कॉमेडियन के लिए आप किस तरह से तैयार है, कि अगर आपको मौका मिलता है स्टैंडअप कॉमेडी करने का तो वो करेंगे आप? स्टैंडअप कॉमेडी का भी मौका मिलेगा तो 100% करेंगे सर। कुछ एक आपका हुनर पेश करेंगे अपना? बिल्कुल सर, अब जैसे कि हमारी मालवी, हम लोग आपको मालवा में ही दे देते हैं, मालवी में ही, तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ अपन जाते हैं, जैसे एक लड़की है वो खेत पे जा रही है, अब क्या होता है कि उसको मम्मी पापा ने मना किया उसको जाने के लिए, और इसके बाद भी उसको उसी रास्ते पे जाना है कि नहीं यार मेरे को खेत पे जाना है, उसको बोला जैसे अभी आपने कुछ देर पहले ही क्वेश्चन किया था कि यार पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन उसको पढ़ाई के लिए बोले जा रहे पेरेंट्स, लेकिन नहीं उसको जाना खेत पे ही है, तो हमारी मालवी भाषा में इसको हम लोग करते हैं, अरे छोरी कितनी बार समझ ही दियो थारे, क्वापे मत जाए बनले, जीजी वहाँ जाएगा तो फिर सारे काम काज करना पड़ेगा, ने मां नहीं जाएगा तो थारे आराम से पढ़ाई लिखाई करेगा तो डॉक्टर बनी जाएगा, पर वाह नहीं मानी, नानी गई ना बर्तन एज की सीरी है, तो ये इस टाइप से मतलब हमारी इधर का जो रहता है ये सारा एक लिहाजा है पूरी मालवी का, ये आप लोगों को समझ में आया जो हमने बताया? समझ में आया, तो ये इतनी सरल भाषा है मालवी की, तो धीरे 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 करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। कॉमेडी पे टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो टाइमिंग किस तरह से आप मैच करते हैं, क्योंकि रील आप बना रहे हैं मुश्किल से एक मिनट की वो होती है, कोई बड़ा स्किट नहीं है कि कॉमेडी करे लंबा तो ज़्यादा हंसी है, सर कैसे पॉसिबल कर लेते हैं आप टाइमिंग? सर ये क्या है कि जैसे हम सोचते बड़ा है, मतलब अपन कोई भी कॉमेडी के लिए बनाते हैं तो उसको कम से कम सोचना पड़ता है बहुत बड़ा, फिर उसको हम लोग शॉर्ट 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 करके उसको एक मिनट के अंदर लेके आते हैं, एक मिनट के अंदर हम उसको ख़त्म करते हैं, तो एक मिनट में हमको आपको हंसाना भी है और एक मिनट में उसके अंदर संदेश भी डालना है, और उसी के अंदर कोई अच्छा एक जाना चाहिए कि नहीं यार आपकी हंसी बंद ना हो उससे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं पंच भी देना पड़ता है, तो धीरे 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 हम कम करते हैं, कुछ बड़ा हो जाता है छोटा करते, कोई बहुत सारे ऐसे कंटेंट रहते हैं जिनको हम रिजेक्ट करते हैं और फिर हम उसको कंटिन्यू बनाते हैं, तो बहुत मेहनत लगती है पर हाँ हो जाता है। और कई जगह कॉमेडी के नाम पे वल्गैरिटी पेश की जा रही है सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप पॉपुलर है, आप इसका कितना ध्यान रखते हैं कि आपको जो युवा फॉलो करते हैं उन्हें मैं गलत या फालतू या डबल मीनिंग कंटेंट ना दूं, इसकी कितनी जिम्मेदारी आप लेते हैं? सर इसकी 110% हम लोग जिम्मेदारी रखते हैं, क्योंकि मेरा जो हमारा जो कंटेंट है पूरा फैमिली कंटेंट है, और इसमें आप यदि फैमिली में भी चार लोगों में बैठे और हमारी कॉमेडियन राहुल पाटीदार नाम से आपके पास रील आई है तो आप सबसे पहले उसको
सेव नहीं करोगे ऐसे करके और आप उसको पूरी देखोगे, क्यों? क्योंकि ये पूरा फैमिली कंटेंट होता है, इसके अंदर एक भी वैरायटी नहीं आती। और मैं चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे जितना सारा ये पूरा झमेला जो आ चुका है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अपन फैमिली में सब लोग मोबाइल लेके बैठते, आजकल ज़्यादातर आपने देखा हो तो बच्चों के हाथ में मोबाइल ज़्यादा रहता है। अब बच्चे मोबाइल ज़्यादा चला तो बच्चों के सामने गंदी चीज़ आती है ना, तो ये कहीं ना कहीं गलत रहती है। मेरे घर पे भी मतलब बहुत सारे मेरे बड़े भैया वगैरह हैं, इनके भी बच्चे वगैरह हैं, तो हम लोग क्या करते हैं मोबाइल को बड़ा अवॉइड करवाते, टीवी में उनको सब चीज़ें दिखाते, क्यों? क्योंकि मोबाइल के अंदर इतनी गंदगी आ चुकी है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। आज जैसे हम भी फैमिली कंटेंट बना रहे, ऐसा नहीं हम वायरल नहीं हुए, हम चीज़ नहीं हुए, हमारी भी फैमिली कंटेंट है। एक भी डबल मीनिंग भी नहीं मिलेगा और एक भी गलत शब्द भी नहीं मिलेगा हमारी भाषा में, मतलब ये सब को ध्यान में रखते हुए हम बनाते हैं और फिर भी बहुत अच्छी तरीके से बन रही है। तो आप लोगों को भी यही है कि यार आप लोग भी थोड़ा सा इसका ध्यान दो। कॉमेडी के साथ साथ सिंगिंग वगैरह में इंटरेस्ट है या सिंगिंग को लेकर आपने कोई किसी गाने को लेकर कोई कॉमेडी बनाई है आपने? सर सिंगिंग गाने को लेकर कॉमेडी बनाई है, गाने का इंटरेस्ट तो है नहीं, लेकिन कॉमेडी ज़रूर बनाई थी जो कि हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर डली हुई है, बहुत ही वायरल भी गई है, अच्छी लंबी भी चली थी वो। वो हमने इसी स्टेज पर मतलब एक ऑडिशन देते हुए बनाई थी कि लड़की ऑडिशन दे रही है और हम सामने लड़की का ऑडिशन ले रहे हैं, तो लड़की उसको सिंगिंग करती है, मैं तो उस जगह सिंगिंग में जज था, वो खुद सिंगिंग कर रही थी लेकिन कॉमेडी सिंगिंग कर रही थी। कुछ थोड़ा सा पेश करेंगे? जैसे कि तो हमने उसको बोला कि जरा आप क्या बोलते हैं वीडियो मतलब स्टार्ट करो, तो उसने ऑडिशन स्टार्ट किया, वो ऐसे आई एकदम और पानी की बोतल हाथ में ली हुई थी, तो हमने बोला मैडम ये क्या है? अरे सर बोले ये गर्म पानी है गरारे करने के लिए। तो मैंने कि मैडम मतलब अच्छा, मैंने गले का ध्यान रखना पड़ता है तो गरारे भी करना पड़ते हैं, तो मैंने बोला हाँ आप बिल्कुल गरारे कीजिए। तो उसने पानी का वो लिया और एकदम गरारे दो तीन गरारे वरारे किए, सारे गामा पादानी फिर एकदम हमने उसको रोका और फिर उसमें तीन चार मीम्स वीम डाली और एकदम हंसी से उसको बढ़ाया और भगा दिया कि अब तुम ऑडिशन में पास हो गई हो। तो इस टाइप से मतलब हमारा एक कंटेंट था सेम ऐसा कैसा जो मैंने आपको प्रेजेंट किया सिंगिंग में कॉमेडी। राहुल सर पहले जो आर्टिस्ट आते थे मुंबई, चाहे कॉमेडियन हो चाहे कोई भी एक्ट में हो, वो रंगमंच से आते थे, अब जो है इंस्टाग्राम से आते हैं, आपकी भी पहचान इंस्टाग्राम से। अगर आप यहाँ बॉलीवुड में आ जाते हैं, यहाँ काम करते हैं, क्या इंस्टाग्राम छोड़ देंगे? नहीं नहीं सर, इंस्टाग्राम क्यों छोड़ेंगे, इंस्टाग्राम तो सबसे पहले ही, ये तो हमारी सबसे बड़ी पहचान है, इंस्टाग्राम हम कैसे छोड़ सकते हैं। रंगमंच से एक देखो, यदि आर्टिस्ट है तो सबसे पहले उनको थिएटर करना चाहिए, हमारा ये सजेशन है, सबसे पहले थिएटर करना चाहिए, थिएटर से उनको सीख के और फिर यहाँ पे आना चाहिए। और जो इन्फ्लुएंसर है सर, इन्फ्लुएंसर अलग हो गए, आर्टिस्ट अलग हुए, तो हम पहले ऑलरेडी हमने थिएटर भी किया हुआ है, सीखा भी है और सारी चीज़ों का ध्यान रख के और हम लोग इस लाइन में आए, इसीलिए इतनी जल्दी वायरल। और सर आपकी जो जैसे आपने लोकल लैंग्वेज में कॉमेडी की है या आपके रील्स भी है, तो हिंदी एकदम प्रॉपर हिंदी में मान लीजिए आपको काम मिलता है या कॉमेडियन का, तो इतना आसान है, डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए हिंदी में कॉमेडी करना, इस बारे में अगर कुछ बताना चाहिए? सर जैसे मैंने पूरा इंटरव्यू अभी आपने देखा हो तो पूरा हिंदी में दिया, और मेरी भाषा जो है वो पूरी मालवी है, तो मैं हिंदी और मालवी दोनों बना सकता हूँ, क्योंकि मैं मतलब थिएटर, मैंने अभी जैसे अभी पहले आपका लास्ट क्वेश्चन में मैंने बोला कि मैं थिएटर कर चुका हूँ, तो मेरे क्या कुछ कुछ ऐसे वर्ड है, क्योंकि पहले बचपन में मैं तूतला बोलता था, तूतलाता था, तो उस चक्कर में जीवान जो होती ना मोटी रहती है, तो उस चक्कर में कोई कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं, पर उसको भी हम लोग रात दिन करके उसको भी हिंदी में हम लोग अब हिंदी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। मालवी तो बहुत ही अच्छी, पर हिंदी में भी हमें कोई भी मौका मिलेगा तो हिंदी में ही मिलेगा, वो तो ऑब्वियसली बात है, मालवी में तो कुछ कॉमेडी वगैरह का ही होगा। मुंबई आए हो ऐसा लगता है, कई बार कई सारे लोग आते हैं, आप भी आए हो यहाँ पे एक तरह से काम के लिए, आप बात भी कर रहे हो, अच्छी बात है, आपको कोई प्रोजेक्ट्स मिले, लेकिन कई लोगों को काम नहीं मिलता है और निराश हो जाते हैं, तो ऐसे में आपका कुछ प्लान बी है या फिर क्या कुछ आप सिर्फ आगे तो मतलब काम करके ही जाऊँगा ऐसा कुछ सोचा या सेटल होने का? नहीं नहीं सर, अब रहना तो हमें इंदौर ही है, इंदौर हमारा मतलब, आप कभी इंदौर आए हो तो आप लोगों ने देखा होगा इंदौर में हम खाना पीना, मुंबई में थोड़ा सा हम लोगों को इंदौरी को थोड़ा कम जमता है, तो हम लोग तो क्या है कि आते जाते रहेंगे, यहाँ शिफ्ट होने का तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, वो भगवान ने कोई ऐसा योग लगा दिया कि नहीं यार दो चार महीने पाँच महीने रह के भी यहाँ काम करना पड़े तो भी करेंगे, पर वो एक देखा है ना तो हमारा इंदौरी लोगों को खाने में बड़ी समस्या आती है, हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमारा इंदौर है एकदम चटपटा शहर, आप कभी भी जाओगे तो आप जैसे इधर उधर खाओ गली वगैरह होती, तो ऐसे हमारे इधर भी बहुत सारी चीज़ें जिस अपना जलेबी पोहा सुबह सुबह का और बहुत सारी चीज़ें चटपटी, तो ये हम लोगों को बाहर जमती नहीं, तो ज़्यादा हम लोग इंदौरी बाहर रह नहीं सकते। ऑडियंस से बस यही कहना चाहूँगा कि आपका जितना प्यार हम लोगों को मिला इससे डबल हमारा प्यार मिले,
और यदि हमारी मालवा की पब्लिक देख रही हो तो राम राम दादा और बहनों तुमने इतना सारो प्यार दियो का लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ने यदि मुंबई नगरिया की जनता ने हमारे देखी लियो हो ने तुमने प्यार नहीं दियो तो प्यार दे दीजो, क्योंकि कॉमेडियन राहुल पाटीदार मुंबई में भी आई गयो है, सपनों का शहर मुंबई। हाँ तो ध्यान रख जो, कहीं भगाई मत दीजो वापिस दूसरी ट्रेन से, है ने।